हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं वाटर वेव चैनल। आज मैं ग्राउंड पर आया हूँ आपको दिखाने के लिए PQWT S500। मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ इसका सूटकेस। मैं आज यहाँ पे सर्वे करने वाला हूँ, इसका डेमो आपको दिखाऊंगा। ये है PQWT का S500 पोस्ट मशीन। ये केबल है, हाँ रखो, कोई बात नहीं। ये टी शर्ट मिलता है कंपनी की तरफ से और ये यूजर मैनुअल वारंटी कार्ड भी है और ये है पेन ड्राइव जो 4 GB का है। ये होस्ट मशीन, चलो ये USB OTG केबल दोनों है साथ में और ये चार्जर, ये एडाप्टर है चार्ज करने के लिए। और ये रॉड है, ये इलेक्ट्रॉन कॉपर रॉड। प्योर कॉपर रॉड है, इसे हम केबल से अटैच करेंगे और ये होस्ट मशीन से। तो चलिए मैं आपको सर्वे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले प्रोफाइल सर्वे में जाएंगे हम लोग। यहाँ पर 2 बार क्लिक करेंगे लाइन टेस्ट, उसके बाद सबसे ऊपर आपको दिख रहा है लाइन टेस्ट। लाइन टेस्ट हम करेंगे। लाइन टेस्ट से पहले हमें दोनों राड को एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा इस प्रकार से, और जब ये कनेक्ट रहेंगे तो यहाँ पर लाइन टेस्ट की बटन दबाएंगे। और लाइन टेस्ट की बटन दबाने के बाद में अगर यहाँ पर बार बार ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि लाइन टेस्ट ओके है। कोई नहीं, तो इस प्रकार से लाइन टेस्ट होगी। ठीक है, आपने देख लिया, अब हम मेन सर्वे करेंगे। अब उसके बाद में हम सर्वे करने जा रहे हैं, आगे का आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट हमने 0 पे गाड़ा है, दूसरा हमारा रॉड जो है 10 मीटर पे लगा हुआ है और हम आज सर्वे करने चल रहे हैं PQWT S500 से। तो इसमें सेटिंग में आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। तो एक तो जो ऑप्शन का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो S500 में ऑप्शन होता है, आप डेप्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। 100 मीटर है, 150 मीटर है, थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके इसे 100 मीटर भी दिखा दें। 100 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर और 500 मीटर है। तो आज हम सर्वे कर रहे हैं 150 मीटर पे। गेन 0 रहेगा, लाइन 1 है सर्वे, इसे हम ओके कर देते हैं। और उसके बाद में दोनों हमारे कनेक्ट हैं, यहाँ से हम एक बार फिर से लाइन टेस्ट करके देख लेंगे। ये देखिए कि दोनों अगर हमारे रॉड प्रॉपर हैं तो ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब लाइन ओके है। और हम अब रिकॉर्ड बटन करके ये फर्स्ट पॉइंट आपका रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डाटा आना शुरू हो गया है। देख रहे हैं ना, ये डाटा आ रहा है और ये लगभग 1 मिनट का टाइम लेगा एक पॉइंट स्कैन करने में। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट स्कैन होगा वैसे हम इन रॉड्स को 1 मीटर आगे बढ़ाएंगे, एक एक मीटर के डिस्टेंस पे हमें स्कैन करना होता है। आप देख सकते हैं 50% से ज़्यादा हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर दिखता है, परसेंटेज भी नीचे दिख रहा है, 75% हो गया। ठीक है, तो ये होने वाला है, 1 मिनट का समय लगता है।
जब ये खत्म होगा, एक कंप्लीट होगा, तो एक वीप आएगी। एक छोटा सा साउंड आया, इसका मतलब है कि एक हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। अब हम इसे निकाल के एक मीटर पे लगाओ, इसे लगाओ एक मीटर पे, इसको यहाँ पर लगाओ एक मीटर पे, आराम से निकालो, यहाँ पर लगाओ, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जितना ज़्यादा उतना लगा लो बस। और सेकेंड वाला रॉड भी, इसे भी हम एक मीटर आगे ले जाएंगे। एक मीटर अंदाज के ले लो, एक मीटर, हाँ बस यहाँ लगा दो, ठीक है। तो उसमें मशीन में रिकॉर्ड का जो बटन है दोबारा से दबाओ, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 स्कैन हो रहा है। तो जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो ये तो मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। तो अभी ये चौथा पॉइंट स्कैन हो रहा है आपके सामने, ठीक है। और इसमें जैसे जैसे स्कैन होता है वैसे वैसे इसमें ग्राफ, देखो आप ध्यान से देखोगे तो एक साइड में ये देखिए इधर ग्राफ बनता हुआ आ रहा है, ग्राफ आ रहा है, नीचे वैल्यू आ रही है। तो अभी मैं 5-6 पॉइंट स्कैन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पूरा ग्राफ आता है, ठीक है। एक पॉइंट और भी कंप्लीट हो गया, अब फिर से बढ़ाएंगे इसे आगे 5वें पॉइंट के लिए। रिकॉर्ड बटन दबाओ, पानी। तो अभी हमने लगभग 5-6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा रिजल्ट भी दिख रहा है, तो हम इसे निकाल दे रहे हैं अभी, ठीक है। ये निकाल दो सकते, थोड़ा सा खींच के इसे, रहने तो कुछ मत करो ऐसे रहने। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ आया है, कर्व बोलते हैं इसे, हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं प्लस माइनस से, ठीक है। ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये कर्व बोलते हैं इसे। उसके बाद में आप प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में आपको एक ग्राफ और मिलता है और इसे भी यहाँ से हम बड़ा कर लेंगे इस प्रकार से, देख सकते हैं 7 पॉइंट हमने स्कैन किया है। उसके बाद में एक प्रोफाइल हो गया, दूसरा फिर प्रोसेस मैप, एक ग्राफ और मिलता है ये आपका, और ये 3 ग्राफ हो गए। चौथा ग्राफ हमें मिलता है जब हम रिटर्न बटन दबाते हैं, तो एक चौथा ग्राफ मिलता है। इन सबको हमें एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ दिया गया है, इसे एक्सपोर्ट कर लिए। यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से सभी को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। सभी को करेंगे।
गया ना, तो यहाँ से रिटर्न आ जाएंगे और उसके बाद में फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे। कनेक्ट पीसी है, डिसकनेक्ट पीसी मतलब जब आपको डाटा ट्रांसफ़र करना हो यहाँ से कर सकते हैं।